आज हम स्पाइसेस एंटिटी सेकेंड ईयर की जो स्पाइसेस वाली फाइल है उसके बारे में बात करेंगे कि आपको किस टाइप से बनानी होती है ये एंटिटी सेकेंड ईयर की फाइल। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें इस टाइप से फाइल लेनी है कोई भी, या तो हम पेजेस ले सकते हैं या हैंडमेड शीट आती है जो हमारे पास, हम वो ले सकते हैं। हैंडमेड शीट का जो है वो हम बाहर से कवर कर सकते हैं और अंदर हम जो है वो इस टाइप से A4 शीट्स ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने आज इम्पोर्टेंस ऑफ स्पाइसेस के बारे में करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो टर्मरिक आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें स्पाइसेस लेना है कोई भी, हम ज़रूरी नहीं है कि हमें टर्मरिक ही लेना है फर्स्ट में, हम कोई भी और ले सकते हैं। तो यहाँ हम टर्मरिक ले सकते हैं। टर्मरिक को हिंदी और इंग्लिश पहले दोनों में क्या बोलते हैं वो हम लिख देंगे इस तरफ, और यहाँ पर हम उससे रिलेटेड जो है उसकी इम्पोर्टेंस वो बता देंगे। पहले सबसे पहले की है जो टर्मरिक, ये हल्दी होती क्या है उसके बारे में हमने लिखना है, और सेकंड हमें उसी से रिलेटेड उसकी इम्पोर्टेंस यानी उसके लाभ लिखने हैं। तो क्या है इसका यूज़ और किस तरह से हमें बीमारियों से बचाता है, कैसे ये वेजिटेबल्स वगैरह में डलती है, ये उसके बारे में हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारी आ जाएगी हल्दी। सेकंड हमारे पास, पहले हमारे पास ये हल्दी आ गया, हमें हल्दी क्या है इसके बारे में लिखना है और उसकी इम्पोर्टेंस। उसके बाद हमारे पास अगला आ जाएगा, यहीं पर ही हल्दी को किन किन नामों से जाना जाता है और ये क्या है, एक बेहतरीन औषधि कैसे है ये, इसके बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है, और इसे अलग अलग भाषाओं में क्या बोला जाता है। जैसे हिंदी में इसको हल्दी बोला जाता है, तेलुगू में इसको पुसु बोला जाता है, तमिल और मलयालम में इसे मंजम बोला जाता है, और कन्नड़ में इसे अरिसिना, और अंग्रेजी में इसको टर्मरिक बोला जाता है। तो ये हम इसको विभिन्न नामों से किस प्रकार से जाना जाता है वो हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम उसके इम्पोर्टेंस और हल्दी क्या होता है ये हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा आ गया हल्दी, सेकेंड हमारे पास आ जाएगा हल्दी के बाद हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास फेनिल सीड आ जाएगा। तो इसको मेथी है, मेथी दाना, सूखी मेथी बोलते हैं इसको। तो ये मेथी दाना के बारे में आ जाएगा कि ये मेथी हमारे पास पहले मेथी है क्या है, और इसके जो गुण हैं, इसके लाभ हैं, वो सब हम इसमें यहाँ पर लिख देंगे। मेथी के बारे में कुछ जो तथ्य हैं वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इसके बारे में डिटेल्स में लिख दिया। तो फेनिल ग्रीक सीड है जो, ये इसके बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसके बारे में आ गया, और यहाँ पर इसको इसके जो इम्पोर्टेंस है, इसके लाभ है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लाभ क्या है, जैसे त्वचा के लिए लाभकारी है, और हेयर फॉल में भी लाभदायक है, मधुमेह शुगर को भी जो है कंट्रोल करता है, जो दूध में सहायक होता है, मेथी दाना है कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, और हृदय स्वास्थ्य में भी सुधार करें, और मेथी दाना सर्दी में भी उपयोगी होता है। तो यहाँ हम इसके लाभ लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया फेनुग्रीक सीड के बारे में आ जाएगा यहाँ पर, इसके लाभ और ये है क्या है, तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाएगा कोरिएंडर। तो कोरिएंडर सीड्स होती है, ये हमारे पास धनिया है, धनिया के बीज होते हैं जो वो होते हैं। तो यहाँ हमें धनिया की इम्पोर्टेंस वगैरह, धनिया क्या है और ये किस प्रकार से जो है इसके यूजेस में लिया जा सकता है, ये सब आ जाएगा। तो ये धनिया आ गया, धनिया क्या है इसके बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है, इसके प्रकार है। धनिया दो तरह के होते हैं, एक तो हाइब्रिड धनिया होता है, दूसरा होता है देसी धनिया। तो हाइब्रिड क्या है, ये बाज़ारों में ज़्यादा देखने को मिलता है लेकिन स्वाद और खुशबू में अच्छे नहीं होते हैं, और जो देसी धनिया होता है इसमें स्वाद और खुशबू ज़्यादा होती है। उसके बाद इसके लाभ आ जाएंगे, ये बाज़ारों में दिसंबर से फरवरी तक खाने के लिए उपलब्ध होता है। इसके लाभ हैं, धनिया बीज है धन दाल यानी संपूर्ण पाचन तंत्र को मजबूत करता है, सौंफ के साथ इसका सेवन करने से चेहरा ताज़ा रहता है, शुगर कंट्रोल रहता है, धनिया बीज सेवन से है यौन क्रियाएं मजबूत रहती हैं, उदर वायु यानी गैस की समस्याओं में भी निजात मिलती है। तो ये हमारा आ जाएगा धनिया। तो कोरिएंडर सीड्स के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है, कोरिएंडर सीड क्या होता है, तो यहाँ पर इस टाइप से हमें कोरिएंडर जो है सीड्स यहाँ पर लगानी है, और आप चाहे तो पिक्चर भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पर रियल जो है वो लगाना है, आप यहाँ पिक्चर भी लगा सकते हैं और यहाँ उससे रिलेटेड कंटेंट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद है जिंजर यानी अदरक।
तो अदरक के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ अदरक क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड हम यहाँ पिक्चर भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर अदरक है, अदरक एक भूमिगत जो है स्थानांतरित तना है, यह मिट्टी के अंदर क्षितिज बढ़ता है, यानी मिट्टी के अंदर ही बढ़ता रहता है, इसके कारण यह फूल कर मोटा हो जाता है। अदरक निजी बरेसी कुल का पौधा है। अदरक दक्षिण एशिया का देशज है। जो है सूखे हुए अदरक का सौंठ यानी शुष्ठी कहते हैं। अदरक का कोई बीज नहीं होता। तो यहाँ पर हमने अदरक के बारे में पढ़ना है, और इसके प्रयोग हैं, इसके क्या क्या यूजेज होते हैं वो हम पढ़ेंगे। अदरक का प्रयोग खाना बनाने के दौरान करते हैं। सर्दियों में खांसी जुकाम अदरक का प्रयोग होता है, जो है बेहद ही कारगर माना जाता है। इसके अलावा भी कई बीमारियों में कारगर होता है। तो यहाँ पर हमने अदरक पढ़ा है, ये अदरक हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, उससे रिलेटेड हमारे यहाँ कंटेंट आ जाएगा। अदरक के बारे में हमने लिखना है कि इसके क्या क्या यूजेज हैं और अदरक क्या है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास लहसुन यानी गार्लिक। तो गार्लिक के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, इस टाइप से हमें यहाँ पिक्चर भी लगा सकते हैं, और यहाँ हम इस टाइप से लगा भी सकते हैं आइटम। तो यहाँ अदरक क्या है, अदरक के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ अदरक दिल से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। लहसुन खाने में, सॉरी लहसुन लहसुन के बारे में पढ़ेंगे। लहसुन क्या है, लहसुन दिल से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। लहसुन खाने में खून को जमाव नहीं होता, हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। खाली पेट लहसुन की कलियां खाने से आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, और भूख भी बढ़ती है। तो यहाँ हम लहसुन के बारे में जो है लिखा हुआ है इस टाइप से कि लहसुन क्या है, और उसके बाद यह है कुल किस प्रजाति का है ये हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद इसके लाभ क्या है यह हम देखेंगे। ये सब्जियों का जायका बढ़ा देता है, सेहत में फ़ायदेमंद है, वजन घटाने में मदद करता है, और डायबिटीज़ से लड़ने में भी मदद करता है। यहाँ पर हमारे पास गार्लिक आ गया, लहसुन लहसुन के बारे में है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। जो है काली मिर्च का हमने यहाँ पर इस टाइप से ये लगा देनी है हमें, काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर पाउडर, सॉरी ब्लैक पेपर सीड्स। तो यहाँ पर हमें इस टाइप से लगाना है ब्लैक पेपर, और उसके बाद हमें यहाँ काली मिर्च के बारे में डिटेल्स में, काली मिर्च क्या है ये हमारे पास यहाँ काली मिर्च से रिलेटेड हो गया है। इसके जो है फ़ायदे क्या है, इससे लाभ हमें क्या क्या मिलता है काली मिर्च से, तो ये सब हमारे पास काली मिर्च से रिलेटेड यहाँ पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें, हमारे पास सर्दी खांसी में किस लिए हमारे बेनिफिट करता है, और इन्फेक्शन के लिए काली मिर्च कैसे सहायता करती है, तो ये सब हमारे पास यहाँ पर डिटेल्स में आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें स्पाइसेस वाली फ़ाइल बनानी है, और इस फाइल से आपको ये है कि एनटीटी सेकेंड ईयर में आपको बनानी है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपके किसी काम आएगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।